राजस्थान और आप देख रहे हैं राहुल लाइव पे काशी। मैं हूँ लखनऊ, लखनऊ काशीराम स्मारक स्थल, जहाँ बैंकवारी मायावती जी का भी लगभग 45 मिनट का जो भाषण है वो हुआ है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत लंबी तादाद में युवा हों, मुस्लिम हों और दलित समाज तो था ही था, ब्राह्मण समाज भी यहाँ भारी संख्या में यहाँ पहुँचा था। मायावती जी ने दो तीन बातों का यहाँ जिक्र किया। उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए, आजाद समाज पार्टी का बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग दूसरों के पैसे से चल रहे हैं और जाति के आधार पर आपके बीच में आकर के वोट मांग सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने तीखा हमला किया, ओबीसी पर हमला किया। एक तरीके से कह सकते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो और अन्य पार्टी प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ने जा रही हैं उनकी पूरी जो है वो एक तरीके से खिंचाई की और ये कहने की बताने की कोशिश की है कि किसी भी प्रकार से उनको किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारी सरकार आई तो हम बेरोजगारी पर काम करेंगे। अगर मन मस्तिष्क में चल क्या रहा है तो बताइए, क्या नाम है आपका? राम अभिलाष पाल और जिला चित्रकूट से आए हैं हम। और बहुजन समाज पार्टी का जो अपार जन समर्थन अभी मिल रहा है, जो लोग कहते थे कि बीएसपी अभी जो है सत्ता में नहीं आएगी, आज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने और बहुजन बहन जी के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ये दिखा दिया है, वह वोटर दिखा दिया है कि आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार आज से मान लेनी चाहिए। और जो ये बीजेपी सरकार है इनको प्रदेश छोड़कर भगा देंगे, ये कार्यकर्ता और वोटर का ये कहना है। जो इस प्रदेश का ये यूपी में जो जंगल राज कायम है, आज इस बीजेपी सरकार में जंगल राज कायम है, आज यहाँ जनता स्वतंत्र नहीं है। देखिए बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और आए दिन मर्डर हत्याएं हो रही हैं। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे नए नए हटकंदे अपनाते जाएंगे और कभी किसी संत की हत्या की जाएगी, कभी किसी किसान की किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है और सबको साथ में लेके चल के, और जो कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती है, चार चार बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं इस प्रदेश की और शासन एकदम दुरुस्त शासन चला करके दिया है इस प्रदेश को, और एक अच्छी सरकार चलाने का काम किया बहन जी ने। और जनता उस चीज़ को जो बीच में हमारी सरकार 10 साल हम सत्ता से दूर रहे, वो जनता बहकावे में आ गई है। अब इस प्रदेश की जनता और देश की जनता बहन जी की तरफ आंखें खोल कर और उनके आशा भरी निगाहें देख रही है कि इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में जाकर बहन जी बैठेंगी। ये जनता का कहना है और चित्रकूट से पूरे प्रदेश की जनता का ये कहना है। और आज ये जन समर्थन दिखा दिया है काशीराम साहब स्मार पार्क में और दिखा दिया, ये एक जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इसीलिए उमड़ा हुआ है क्योंकि दिखा दिया, जो लोग कहते थे कि बीएसपी नहीं है, बीएसपी ने दिखा दिया है। और इस कार्यकर्ता ने साइलेंट, लोग हल्ला मचाते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला मचाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला मचाते हैं, बीएसपी वो है जो अपना काम करती रहती है, हल्ला नहीं करती है और अपनी सरकार बनाती है। क्योंकि ये अनुशासित कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं बीएसपी पार्टी में, ये लोग एक अनुशासन में रह करके कार्य करते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं और तेजी के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जोश के साथ लगे हुए हैं। और 2022 में हमारी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और बहन जी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, बड़े जोश में आप दिख रहे हैं। नाम बताइए पहले, नाम क्या अपना? राम विलास पाल, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। तो पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं या किसी पद पर काम करते हैं? जी मैं पार्टी का समर्थक हूँ और समाज सेवी हूँ चित्रकूट जिले से। और किसी जो है वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है इसके विरोध में जो नौजवानों की, देखिए बेरोजगार नौजवान बेरोजगार हो रहा है और इतनी बेरोजगारी प्रदेश में हो गई है कि हम लोग नौजवान पढ़ लिख करके, बताइए हमारे जैसे नौजवान मजदूरी करने के लिए भटक रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही। कोरोना काल के नाम पर लोगों को पैदल चलाया गया, दिल्ली से लोग लेकर बिहार लोगों को पैदल ले जाया गया। ऐसी सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? युवा कैसे उम्मीद कर सकता है प्रदेश का युवा, देश का युवा, बताइए आप। ऐसी सरकार नहीं चाहिए इस प्रदेश में, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों, दलितों और शोषित वंचितों को, बैकवर्ड को साथ लेके चले, ऐसी सरकार चाहिए। ना कि ऐसी सरकार चाहिए जो खाली, ना कि ऐसी सरकार चाहिए जो पूंजीपतियों को साथ दे। पूंजीपतियों को कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ सिर्फ पूंजीपतियों का विकास इनके साथ होता है। आप कह रहे हैं वर्तमान सरकार ने कोई काम नहीं किया, मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, काम नहीं है। आप कह दीजिए मंदिर से किसी का पेट भरता है? आप बताइए मंदिर से पेट भरेगा किसी का? क्यों नहीं भरेगा? मंदिर से पेट भरेगा? आप बताइए, आप चलिए मंदिर का पे, आप जाइए माथा टेक के आइए, आप 5 दिन खाना नहीं खाइए, आप बिना खाना खाए रहेंगे? आप बताइए मुझे, आप बताइए। नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में भी मैं कह रहा हूँ ठीक है नवरात्र चल रहा है, ये अंधभक्ति नहीं, हम कहते हैं आस्था है, हम भी हिंदू हैं,
आस्था होनी चाहिए पर अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं अंधभक्ति नहीं, आस्था होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए। पर जो हमारे बीबी जब बच्चे भूखे मरेंगे आने वाले समय में, अगर हम लोग और इस देश का युवा नहीं जाएगा, इस प्रदेश का युवा अगर नहीं जाएगा तो ऐसी जगह चले जाएंगे, तानाशाही की सरकार चलेगी यहाँ पर, और तानाशाही ये लोग रवैया अपना जैसे हिटलर की सरकार हुआ करती थी, हिटलर शाही ये लोग करेंगे आने वाले समय में, आप देख लीजिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये देश का युवा कह रहा है, ये प्रदेश का युवा कह रहा है। चलिए तो ये कुछ और साथी हमारे साथ हैं, बताइए मतलब जो ये कह रहे हैं जोश में कह रहे हैं या होश में कह रहे हैं? एकदम जोश में कह रहे हैं और होश में भी कह रहे हैं। तो सरकार बनने जा रही है बसपा की? एकदम बनेगी। बताइए कितनी सीट आएंगी बसपा की? 400 से पार भी आ सकती है। 400 से पार? ये देखिए जोश है, 403 सीट है, 400 से पार आ सकती है। चाचा क्या कहेंगे आप? भैया पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, पहले 2007 से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं और इसमें कोई दोहरा नहीं, इस हत्यारी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक अच्छी नेतृत्व बहन जी ने सरकार प्रदेश को दिया है और बहन जी के नेतृत्व में इस बार ये चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर से पांचवी बार बहन जी इस प्रदेश की सत्ता को संभालेंगी और आने वाले समय में आप देखिएगा इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का कैसा विकास होगा और कैसा शासन, कैसा जो ये पुलिस व्यवस्था है आज यहाँ पर, बताइए सत्ता के अधीन पुलिस और ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सत्ता के अधीन हो रहे हैं इनको। तो दोस्तों ये युवा हैं, जोश से लबालब हैं। आज मैंने रैली में आया, मैंने देखा कि किस प्रकार से युवाओं में जोश है और जोश तो बहुत है। क्या ये जोश वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? ये भविष्य के गर्म में है, कोई 300 पार, कोई 250 पार, कोई पूर्ण बहुमत की सरकार। चुनाव तक सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये तो तय है कि बहन कुमारी मायावती जी जब जब सत्ता में रही हैं तो उनके शासन और शासन सत्ता चलाने की जो ताकत है उससे लोग कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह रहता है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सुहेल बोध के साथ लखनऊ।